लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवी सीता, आपके हनुमान ने सारी लंका जला कर रख दी। सारे लंकावासी अपने घरों को देखकर आंसू बहा रहे हैं। स्वयं रावण ने मेरे हनुमान को कष्ट पहुंचाने के लिए उसकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया था त्रिजटा, इसका परिणाम तो उसे भुगतना ही था। लंकेश्वर ने इतना भी नहीं सोचा कि जिस महाबली हनुमान ने अकेले इतने सारे राक्षसों को मृत्यु के घाट उतार दिया, उसे छेड़ने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। परंतु देख रही हो सीता, सारी लंका जल गई, परंतु इस अशोक वाटिका पर आँच भी नहीं आई। हनुमान भला अपनी सीता माता को कष्ट कैसे पहुंचने देता त्रिजटा? मैं उसके बारे में जितना सोचती हूँ उतना ही चकित होती हूँ। कैसा बलशाली, कैसा चमत्कारी है हनुमान। जय श्री राम। माता, आप मौन क्यों हैं? तुम ही बताओ हनुमान, क्या तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य है? माता, मैं नहीं बता सकता, इसका निर्णय तो आप ही को लेना है। रावण की राक्षसी शक्तियों से संघर्ष करके उसे अपनी शक्तियों का चमत्कार ना दिखाता तो रामदूत कहलाने के योग्य नहीं। माता, प्रभु श्री राम मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्रभु श्री राम से पूछ कर किया। स्वामी किसी को कष्ट पहुंचाने की आज्ञा नहीं दे सकते, ये मैं जानती हूँ। माता, अपराध क्षमा हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा करने का निर्णय नहीं किया है, परंतु जो कहना चाहते हो उसके लिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। कहो, क्या कहना चाहते हो? माता, मैंने अपने गुरुदेव सूर्यदेव से सभी शास्त्र और वेद पुराणों की शिक्षा पाई है। तुमने सूर्यदेव से वेद पुराणों और शास्त्रों की शिक्षा पाई है? हाँ माता, बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक मैं अपने गुरु सूर्यदेव के पास सूर्यलोक में ही रहा। उन्होंने मुझसे कहा था, शठम प्रति शाठयम, यही उत्तम नीति है। अर्थात जो आपसे शठता करे, नीचता करे, उसे उसके योग्य शठता से ही दंडित किया जाना चाहिए। और फिर लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं माता। माता, मैंने रावण की राज्यसभा में जाकर उसे समझाया। मैंने उसे कहा कि तुम विद्वान ब्राह्मण हो, माता सीता का अपहरण करके जो तुमने महापाप किया है उसका प्रायश्चित माता सीता को लौटाकर कर लो। परंतु उसने मेरी एक न सुनी। माता, ये बात छोड़ो हनुमान, श्री राम की बात करो। तुमने अभी अभी कहा तुमने लंका का यह अग्नि विध्वंस श्री राम से पूछकर ही किया है, क्या ये सत्य है हनुमान? हाँ माता, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरे हृदय में प्रभु श्री राम का निवास है और उन्होंने ही मुझे आदेश दिया कि एक बार रावण को अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाओ। परंतु इतना ध्यान रखना कि किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट न पहुंचे। मैंने लंका में आग लगाकर अपने प्रभु के आदेश का पालन किया है माता। अर्थात तुम कहते हो तो तुम्हारा ये अपराध क्षमा के योग्य है। माता, रावण की इस लंका में आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। मैं जाकर प्रभु श्री राम से कहूंगा कि आपके इस तुच्छ सेवक को देखकर माता मुस्कुराई, एक क्षण के लिए ही सही, परंतु श्री राम के इस दूत ने माता सीता को बंदिनी के दुख से मुक्ति दिलाई। माता, यदि मैंने अपराध नहीं किया हो
तो भी मैं आपकी क्षमा का अधिकारी हूं। क्या माता अपने बालक के अपराध को क्षमा करें? चुप चुप जियो हनुमान। माता, सारी लंका जली है, परंतु इस आग में जलकर कोई निर्दोष प्राणी मरा नहीं है, क्योंकि हनुमान द्वारा कोई निर्दोष प्राणी मर ही नहीं सकता। एक दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना ही चाहिए था हनुमान। जो कुछ हुआ वो ठीक ही हुआ। माता, लंका आगमन का मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ, आपके दर्शन हुए, रावण और मेघनाथ से सामना हुआ, कुछ दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी मिला। अब मुझे प्रभु श्री राम के पास लौटना है। आज्ञा दीजिए माता, प्रभु श्री राम आतुरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं हनुमान। रावण को इस बात का अनुमान होगा कि तुम लौटने से पहले उससे मिलने अवश्य आओगे, इसलिए हो सकता है वो यहाँ आए और तुम्हें दंडित करने का प्रयास करे। जय श्री राम। माता, यदि आप आज्ञा दें तो कुछ समय मैं उस दुष्ट के लिए यहाँ रुक सकता हूँ, हो सकता है उसे दो दो हाथ करने का अवसर मिल जाए। नहीं नहीं हनुमान, ऐसा कदापि ना करना। तुमने स्वयं अभी कहा है कि तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ, अब तुम शीघ्र से शीघ्र लौट जाओ। ये चूड़ामणि स्वामी को देना, उनसे कहना आपकी मुद्रिका के बदले मैं ये चूड़ामणि भेज रही हूँ। आपकी स्मृति मेरे हृदय में सुरक्षित है। इस चूड़ामणि को देखकर आप भी इस अभागी सीता का स्मरण कर लिया करना। नहीं नहीं माता, अपने आप को अभागी क्यों कह रहे हैं? जिनका स्थान प्रभु श्री राम के हृदय में होता है वो अभागा कैसे हो सकता है? माता, माता, शीघ्र ही आपका सौभाग्य फलीभूत होगा, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको लेने यहां पधारेंगे और शीघ्र ही आपके सारे संकटों का अंत होगा। तुम महान हो हनुमान, सचमुच महान हो। नहीं माता, मैं नहीं, प्रभु श्री राम महान है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनका नाम लेने से सारे कष्टों का अपने आप अंत हो जाता है, भला उनसे महान और कौन हो सकता है? मैं तो केवल उनका एक तुच्छ सेवक हूं माता। जय श्री राम। जाओ हनुमान, तुम्हारी महानता की कीर्ति तीनों लोक तीनों काल में फैले। प्रणाम माता। जय श्री राम। प्रभु तुम्हारी सहायता करें हनुमान।